मुल्तान रोड पर तीन मंजिला इमारत जमीन बोस, गिरने वाली इमारत इलेक्ट्रिक स्टोर थी, बेसमेंट में खुदाई का काम जारी था। एनी साहिद। बल्दिया उज़्मा का तजावुजात के खिलाफ क्रैकडाउन, इतवार बाजार इस्लामपुरा से तजावुजात हटा दी गई, अमले ने एक ट्रक सामान कब्जे में ले लिया। नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबा, जनूबी पंजाब के दो मस्जिद शहरों को नए पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे में शामिल करने का फैसला, डेरा गाजी खान और मुजफ्फरगढ़ भी मंसूबे में शामिल, हाउसिंग टास्क फोर्स का मुंतखब शहरों में साइट विजिट। हेलो, वन टू थ्री, वन टू थ्री। डबल सवारी डबल हेलमेट, औरत हो या मर्द पिछली सवारी को हेलमेट पहनना पड़ेगा। यकम नवंबर से मोटरसाइकिल की डबल सवारी के लिए हेलमेट की पाबंदी पर अमल दरामद का आगाज, खवातीन पर भी पाबंदी का इतलाक होगा, डबल हेलमेट से परेशानी हो तो लेकिन फिर भी आदत हो जाएगी। शहरी। सब्जी मंडियों में महंगाई का तूफान, इतवार बाजार भी सस्ते न रहे, मटर 200 रुपए, टींडे 100 रुपए, टमाटर और सब्ज मिर्च 80 रुपए, लहसुन 120 रुपए किलो फरोख्त होने लगे, रेट लिस्ट महज दिखावा, दुकानदार मनमाने दाम वसूल करने लगे, दालों और चिकन के बाद सब्जियां भी महंगी, क्या खाएं क्या पकाएं, शहरी महंगाई की दुहाई देने लगे। ब्रॉयलर गोश्त की कीमत में 3 रुपए फी किलो की कमी, दुकानों पर गोश्त 186 किलो पर फरोख्त, शहरियों का मुर्गी की कीमत कम करने का मुतालिबा। इतवार के रोज गवर्नर हाउस के दरवाजे आवाम के लिए खुल गए, शहरियों की बड़ी तादाद सैर के लिए उमड़ आई, गवर्नर हाउस शाम 4 बजे तक खुला रहेगा। आईजी पंजाब की हिदायत पर शहर भर में जनरल होल्डअप, गिरजाघरों की सिक्योरिटी हाई अलर्ट, गिरजाघरों में सर्विस के लिए आने वालों की जामे तलाशी। जमात इस्लामी पीपी 160 के जेर एहतमाम तरबियती नशिस्त, पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान की भरपूर शिरकत, लियाकत बलोच का कहना है कि अहले कयादत मुल्को कौम और जमातों को तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर गामजन कर देती है। इतवार के छुट्टी और सुबह सवेरे नाश्ते की दुकानों पर रश, शहरी फैमिलीज के हरमार गर्मा गर्म नाश्ते से लुत्फानंदोज होने लगे, नान चने बोंग पाए और हलवा पूरी के मजे। ओल्ड इज गोल्ड, विंटेज गाड़ियों ने जमाया लाहौर में अपना रंग, शाही कले में वार्ड सिटी अथॉरिटी के जेर एहतमाम कार रैली, कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी में सजा चमचमाती गाड़ियों का मुनफरिद ऑटो शो, शायकीन की जानदार और शानदार गाड़ियों में गहरी दिलचस्पी। यूथ ओलंपिक्स में मुल्क का नाम रोशन करने वाले कौमी रेसलर अनायतुल्ला की वतन वापसी, एयरपोर्ट पर वालेहाना इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर, ढोल की थाप पर भंगड़े, कौमी रेसलर ने 65 किलोग्राम की वेट कैटेगरी में कांसी का तुमगा जीता, रेसलर अनायतुल्ला का कहना है कि अगला हदफ 2020 का सीनियर ओलंपिक मेडल जीतना है। और मालदीप की क्रिकेट टीम और जिमखाना क्रिकेट क्लब के माबेन प्रैक्टिस मैच, मालदीप की टीम का टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला।